अबे कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? भाई धोनी बाबा के आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। बाकी हम तो ये कहते हैं, तुम जितने भी आए हो बाबा धोनी के पास, अपने अपने जीवन में तुम सब रचोगे इतिहास। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बाबा धोनी। सबसे पहले तुम हमारी पीठ में मार दो 3-4 कोहनी। अरे धोनी बाबा, बड़ी कृपा हुई तुम्हारी, हम तो ICC के चेयरमैन बन गए। अब हमको ऐसा लग रहा है ICC के सबसे बड़े अधिकारी हम ही हैं। अब तो जो जी में आएगा वो करेंगे, लेकिन तुम्हारी कृपा की वजह से ही सब हुआ है। हम तो ये कहते हैं 2-4 कोहनी मार दो, हम तो आशीर्वाद समझ के तुम्हारी कोहनी खा लेंगे। अरे थोड़ा सा आशीर्वाद हमको भी दे दो बाबा धोनी दास। हमने सुना है तुम्हारी भविष्यवाणी होती है सबसे खास, हमको तुम भविष्यवाणी के जरिए बता दो, इस बारी हम मुंबई इंडियंस को छोड़ के IPL के ऑक्शन में जाना चाहते हैं। अब तुम भविष्यवाणी करके ऐसा बता दो कि हमको कितना पैसा मिल सकता है इसमें, मेगा ऑक्शन में दो टीमें हमारे ऊपर कितना पैसा लुटा सकती है, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। अरे बेटा रोहित, तुम्हारे तो क्या ही भविष्यवाणी करे भाई, तुम्हारा तो जलवा ही निराला है। हम तो ये कहते हैं तुम हो भोले भाले, सकल से हो बहुत अच्छे, और तुमको खरीदने के लिए सभी टीमों के मालिक बेच डालेंगे अपने कच्चे। चिंता ना करो, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा बरसेगा कि एकदम पैसा ही पैसा हो जाएगा जमाने में। बाकी हमको ऐसा लग रहा है किसी टीम में तुम खरीदे जाओगे, उसके कप्तान बना दिए जाओगे। अबे जय हो महाराज बाबा धोनी दास, तुम्हारी भविष्यवाणी होती है सबसे खास। हमको बता दो धोनी बाबा, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी RCB में मिला ले ये रोहित शर्मा को, ये रोहित शर्मा बड़ा ट्रॉफी जीतता है, अगर हमारी RCB में आ जाएगा तो इस बारी हम भी ट्रॉफी को ऐसे टांग लेंगे भैया, बिल्कुल हल्के हाथों से। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया विराट कोहली, वो बात सत्य होगी जो तुमने अपने मुंह से बोली। हम तो ये कहते हैं बाबा धोनी दास की तपस्या का तुम्हारे खाते में फल जाएगा, और RCB की टीम से जो जलता है इस वीडियो को देखकर उसके पिछवाड़े से धुआं निकल जाएगा। अरे धोनी बाबा, यो क्या बात हुई, यो तो तुम गप्पे सप्पे मारती तुकबंदी करती। देखो हमको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती, हम होती बिजनेसमैन अंबानी, हम रोहित को अपनी टीम में शामिल करने की ठानी। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए, पैसा हम ऐसे खर्च करती जैसे बहता हुआ पानी, लेकिन रोहित को हम दूसरी टीम में न जाने देनी, रोहित को हम पैसा देती अपनी टीम में खिलवाती, समझी तुम। अबे पैसे से कुछ नहीं होगा अंबानी जी, हम तो ये कहते हैं खिलाड़ियों का दिल है वहां पर खेलने दो, और जिस गेंदबाज को खिलाड़ी चाहे उसी गेंदबाज को पेलने दो। बाकी हम तो ये कहते हैं जहां पे रोहित शर्मा खेलना चाहे वहां पे खेलने दो, टेंशन वाली बात ही ना है। बाकी तुमने तो उसे कप्तानी से भी हटा दिया पांड्या के चक्कर में, अब तो भैया रोहित हमने कह दिया भाई रोहित तू ना खेलना, देखो हमने तुझको बनाया है, हम तेरे बारे में अच्छा ही बताएंगे और भविष्यवाणी ऐसी कर देंगे कि तुम लोग बल्ले बल्ले करके हमारे गुणगान गाएंगे। अगर रोहित भाई चले गए तो भैया मुंबई की टीम में डटेंगे हम भी ना, चले हम भी जाएंगे रोहित भाई के सहारे, तो हम मुंबई टीम में मजा ले रहे हैं भैया, छक्के वक्के मारते हैं IPL में एकदम डंके की चोट पे। अगर रोहित भाई ना डटेंगे तो डटेंगे हम भी ना, हम भी छोड़ छाड़ के सलीम की गली और हम भी अपने घर को चली। बाकी हम तो ये कहते नाम है हमारा सूर्या, अगर पैसा ज्यादा मिलेगा तो काम करेंगे पूर्या। अबे देखो ऐसा है, यो गप्पे सप्पे मारने से काम ना चलेगा, हम तो ये कहते धोनी दास बाबा, भाई तुम हमारे बारे में बताओ, हमारी टीम जीतेगी कि ना जीतेगी? देखो हमारे लखनऊ के जो मालिक हैं वो थोड़ा ऊटपटांगा है, वो थोड़ा बाद में लड़ाई रट्टा करते हैं, यो चक्कर में तुम हमको पहले ही बता दो हम लोग मेहनत करेंगे, जीतेंगे के ना जीतेंगे। अबे राहुल बेटा देखो ऐसा है, तुम्हारा इस बार IPL जीतना मुश्किल है। देखो तुम्हारी टीम में जो खिलाड़ी हैं वो हैं झोला छाप, और इस बार IPL वही जीतेगा जो होगा दिल का साफ।